गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारा फोर्थ लेसन विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी करते हैं। लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब है याददाश्त खो जाना। बिफोर यू रीड में देखते हैं, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी अच्छी याददाश्त है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक टू यू, क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके साथ कोई चाल चली है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, क्या कभी भूल जाने वाली आदत ने आपको किसी बुरी स्थिति में डाला है? बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी, लेकिन जीवन के किसी एक हिस्से को भूल जाना आपको पागल कर सकता है। इन दिस स्टोरी विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकोलेक्ट हिज हिस्ट्री एट रांची। तो इस कहानी में भी विपिन बाबू बिल्कुल पागल ही होने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें रांची में जो अपना समय बिताया था वो याद नहीं आता है, वो उसे भूल चुके हैं। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, वो दबाव डालते हैं कि वो कभी रांची नहीं गए। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, लेकिन वहीं उनके पास कुछ ऐसे सबूत है जो ये दावा करते हैं कि वो रांची में थे। वट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, इन सब के बारे में क्या रहस्य है? तो हम स्टोरी देखते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो प्रत्येक सोमवार को अपने काम से वापस लौटते समय विपिन चौधरी कालीचरण की दुकान में, जो न्यू मार्केट में थी, वहाँ किताबें खरीदने के लिए रुकते थे। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, वो अपराध की, भूतों की और रोमांचक कहानियों की किताबें खरीदते थे। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक ही लिव्ड अलोन। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर एंड टू फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। तो वो कम से कम एक बार में 5 किताबें खरीदते थे ताकि वो पूरे सप्ताह चल सके। वो अकेले रहते थे और अच्छे मिक्सर नहीं थे, मतलब वो लोगों से घुलते मिलते नहीं थे ज़्यादा, और उनके दोस्त भी बहुत कम थे, और उन्हें बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करना भी अच्छा नहीं लगता था। टुडे एट कालीचरण्स विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तो अब कालीचरण की दुकान में विपिन बाबू को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनको कोई बड़े नज़दीक से निरीक्षण कर रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो अब विपिन बाबू पीछे मुड़कर देखते हैं कि उनको कौन देख रहा है। तो एक गोल चेहरे वाला आदमी उनको देख रहा है, और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वो मुस्कुराने लगता है। I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked विपिन बाबू। तो विपिन बाबू उससे पूछते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहचान लिया है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि हम पूरे एक हफ्ते तक रोज मिलते थे। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रा फॉल्स, तो मैंने आपको हुड्रा फॉल्स जाने के लिए कार भी व्यवस्थित करके दी थी। इन 1958 इन रांची, माय नेम इज़ परिमल घोष। तो वो आदमी बताता है कि ये 1958 की बात है रांची की, और मेरा नाम परिमल घोष है, रांची। तो विपिन बाबू ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि रांची? नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। तो अब विपिन बाबू को ये महसूस हो जाता है कि ये आदमी गलती कर रहा है उनको पहचानने में। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि विपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। तो अब उन्होंने कई बार सोचा था कि रांची जाने के बारे में, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। तब वो मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं कि मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड। तो वो आदमी अपनी भौहें ऊपर करता है, अपनी जीभ काटता है और हैरानी से कहता है कि क्या मैं आपको नहीं जानता? हु डज नॉट यू विपिन चौधरी, आपको कौन नहीं जानता विपिन चौधरी? विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफ वन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो अब वो किताबों की तरफ मुड़ जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि आप अभी भी गलती कर रहे हैं,
जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, मैं कभी भी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी। आप हुड्रा में गिर गए थे और आपकी दाहिने घुटने पर चोट लगी थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे। और अगले दिन आपको नेतरहाट जाना था, उसके लिए मैंने आपको एक कार भी करके दी थी। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप घुटने की दर्द की वजह से जा नहीं सके। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो अब वो आदमी पूछता है कि आपको रांची के बारे में और कुछ भी याद नहीं है क्या? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगलो में रुके थे। यू सैड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई अ बावर्ची। तो आप एक बंगलों में रुके थे और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना अच्छा नहीं लगता और आप एक बावर्ची के हाथों के बना खाना पसंद करते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। तो आपको आपने चांद के बारे में उनसे बहुत ज़्यादा बहस की थी, क्या आपको याद नहीं है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बहुत कुछ बताऊँगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, एम आई राइट और नॉट? तो आप हमेशा अपने साथ एक किताबों का थैला रखते हैं जहाँ भी आप जाते हैं ट्रिप पर, क्या मैं सही हूँ या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स। अब विपिन बाबू बिल्कुल चुप हो जाते हैं और उनकी आँखें अभी भी किताबों पर। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो अब विपिन बाबू पूछते हैं कि आप 58 के किस महीने की बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर। तो वो आदमी कहता है अक्टूबर की। नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 158 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो विपिन बाबू कहते हैं कि नहीं श्रीमान जी, मैं तो 58 में अपने दोस्त के पास कानपुर में था एक पूजा में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, आप गलती कर रहे हैं। और वो उनको बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बट द मैन डिड नॉट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो आदमी वहाँ से नहीं गया और ना ही उसने बातें करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ बरंडा ऑफ योर बंगलो। तो वो आदमी कहता है कि ये तो बहुत अजीब बात है, एक शाम को मैंने आपके साथ आपके बंगलों में चाय भी पी थी बरंडे में बैठकर। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था आपके बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, आपने ये भी बताया था कि आपने अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो दिया। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका इकलौता भाई पागलपन से मर गया। Which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi, और इसीलिए आप रांची के पागलखाने में नहीं जाते हैं। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. तो अब Bipin Babu अपनी किताबें खरीद के जब उनके पैसे दे रहे होते हैं और दुकान छोड़ने ही वाले होते हैं, तो आदमी अभी भी उनकी तरफ बड़े ही अविश्वास से देख रहा होता है। बच्चों आज इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।